आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ 20वीं सीरीज में देखेंगे कि 20वां सीरीज जो आज हम लोग का हिंदी व्याकरण से है, जिसमें हम लोग यहाँ कारक के बारे में एक दूसरे से यहाँ परिचित होंगे कि कारक क्या चीज होता है, कारक का कितना भेद होता है, कारक की परिभाषा इत्यादि सभी बातों पर हम एक एक करके आपसे परिचित होंगे। तो इस तरह से कारक की परिभाषा में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ कारक शब्द के परिभाषा में हम लिखेंगे, सबसे पहले परिभाषा में लिखते हैं कि कारक जो होता है, यानी कारक के बारे में अगर हम कहना चाहें तो कारक शब्द का यहां अर्थ क्या होता है। कारक शब्द का अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो कारक शब्द का अर्थ होता है कि कोई भी काम अगर किया जाता है, कोई क्रिया किया जाता है, तो यहां क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला, आप सीधे शब्दों में जानेंगे कारक शब्द का अर्थ ही होता है क्रिया को करने वाला। अगर हम जब किसी क्रिया को यहां करने में किसी भी यानी कि कोई भी काम करते हैं, तो इसको हम लिख भी सकते हैं कि जब हम किसी क्रिया को यानी कोई भी क्रिया होता है, क्रिया समझते ही है कि अगर कोई भी काम अगर हम करते हैं तो क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता जरूर है। क्रिया को करने में कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, कोई ना कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे कारक कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, यहां सीधे शब्दों में जानिए कि जैसे अगर मैंने यह लिखने का काम किया, मैंने यह काम जो किया एक लिखने की भूमिका निभाया, मैं आपसे बात करने की भूमिका निभा रहा हूं। आप यदि सुन रहे हैं तो आपने सुनने की भूमिका निभाया, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ने की भूमिका निभाया। तो कोई ना कोई कार्य अगर होता है, कोई ना कोई क्रिया अगर संपादित होता है, तो क्रिया के संपादित होने में उसका भूमिका निभाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है, और कोई ना कोई अगर यहाँ पे जो भूमिका निभाता है उसी को हम कारक कहते हैं। सीधे शब्दों में आप जानेंगे कि जो कोई भी क्रिया संपादित होता है, कोई भी क्रिया किया जाता है, उस क्रिया का संपादन करने में कोई ना कोई भूमिका निभाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। बस सीधे शब्दों में आप जानेंगे। फिर आप यहां देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की जो हम बात करते हैं, कि संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ साथ अगर हम दूसरे शब्दों से में संबंध बताने का वाले जो निशान होते हैं, किसी भी तरह के अगर संबंध बताने वाले निशान का जो प्रयोग करते हैं, तो या निशानों को ही हम कारक कहते हैं। बात समझ रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि विभक्तियों के साथ में, तो विभक्ति या परिसर्ग की बात इसमें समझेंगे कि विभक्ति और परिसर्ग की जो बात होता है, जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग देखेंगे या परिसर्ग की आप बात समझते हैं कि विभक्ति या परिसर्ग जो होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो विभक्ति या परिसर्ग जिन प्रत्ययों के माध्यम से, जिन प्रत्ययों की वजह से यहाँ कारक की स्थिति का बोध कराने के लिए या कारक का जो स्थिति होता है उसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम विभक्ति कहते हैं, नहीं तो उसको हम परिसर्ग कहते हैं। ठीक है, उसे हम या तो विभक्ति कहेंगे और नहीं तो उसे क्या कहेंगे, परिसर्ग कहेंगे। फिर आप यहां सोचेंगे कि इसका एक और परिभाषा आपको हम दे देते हैं कि अगर हम कहते हैं कि कारक का जहां अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, यानी कारक का सीधे अर्थ में अगर हम प्रयोग करें, तो किसी भी कार्य को जो करने की बात आती है, तो किसी भी कार्य को करने वाले को ही कारक कहा जाता है, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाने का काम करता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे आपसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बातें करते हैं, उदाहरण के आधार पर अगर आपसे कुछ बातें को रखते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण रखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, वह पहाड़ों के बीच में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ गंगा किनारे जाता है, किनारे का बात हो गया, और उसके बाद यहाँ पहाड़ों के बीच में, तो यहाँ कारक का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से कारक के जो भेद की बात अगर करेंगे, इसमें हम विभक्ति चिन्हों के साथ साथ भेद के साथ
विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग देखते चलेंगे, कहां पे किस इसके भेद में कौन सा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में हम समझते चलेंगे। जैसे सबसे पहले कारक के भेद के बारे में अगर बात करते हैं तो कारक को 8 भागों में बांटा गया है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो इसके 8 भेद हैं। 8 भेदों को अगर हम अलग अलग वर्णन करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले अगर हम कहें तो कर्ता कारक हो गया। कर्ता कारक का नाम सुने हैं आपका, कर्ता कारक हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो दूसरा आपका क्या हो गया कि कर्म कारक हो गया। तीसरा अगर देखते हैं तो आपका करण कारक हो गया। चौथा आप देखते हैं तो करण कारक के बाद जब चौथा देखेंगे तो आपका संप्रदान हो जाता है, यानी संप्रदान कारक। फिर आप पांचवें कारक का नाम लेते हैं, संप्रदान आपका चौथा हुआ तो पांचवें का नाम लेते हैं तो आपका हो जाता है अपादान कारक। फिर आप छठे का नाम लेते हैं, अपादान के बाद देखेंगे तो संबोधन का, यानी कि यहां पे आपका संबंध कारक हो जाता है। और संबंध कारक के बाद जब आप आठवें कारक के प्रयोग करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, यहां अभी ये छठवें हुए, सातवें के रूप में अगर देखते हैं तो यहां पे आपका अधिकरण कारक होता है। और आठवें के रूप में देखेंगे तो आपका क्या हो जाता है, तो आठवें में जब देखेंगे तो यहां संबोधन के रूप में आप समझेंगे कि संबोधन कारक होता है, संबोधन कारक हो गया। अब इन आठों का जो भेद, आठों जो दिखाया गया, इन आठों को अगर हम अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं तो इसे हम अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम समझें कि सबसे पहले आपका है इसमें एक नंबर में है कर्ता कारक। अगर कर्ता कारक के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं तो जो वाक्य कोई भी होता है तो वाक्य में कार्य को करने का काम करता है, कोई भी वाक्य में जो काम करने का काम करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में काम को करने का जो कार्य करता है इसकी परिभाषा हम लिखते चलते हैं, आप समझते चलेंगे। यानी कि कर्ता कारक जो होगा, सबसे पहले आपका कर्ता कारक हुआ तो जो वाक्य में कार्य करने का कार्य करता है, यानी कोई भी कार्य यदि होता है तो कार्य को करता है, कार्य को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब काम को करने की बात जहां आता है कि कोई भी काम को जब करने की बात आता है, यानी कि कर्ता कारक जो होता है कर्ता का वह रूप होता है, यानी कर्ता कारक में कर्ता का वह रूप होता है जिसमें कार्य को यहां करने वाले का निश्चित रूप से पता चलता है। इसके साथ कर्ता कारक आप देखेंगे, कर्ता कारक का विभक्ति जो होता है इसके विभक्ति चिन्ह के बारे में यदि हम देखें तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो यहां ने का प्रयोग करते हैं। विभक्ति चिन्ह में यहां ने का हम प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह आपका क्या हो गया, यह विभक्ति चिन्ह में आप देखेंगे यहां पे ने का प्रयोग करते हैं। तो जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे कि विकास ने फुटबॉल खेला, विकास ने फुटबॉल खेला, अगर आपसे पूछा जाए इस वाक्य में कौन सा कारक है तो यहां विकास ने जो शब्द का प्रयोग किया गया है यह क्या हुआ, कर्ता कारक में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ता कारक हुआ। फिर अगर कहा जाए कि दिनेश ने यहां पीड़ितों की सहायता की, तो दिनेश ने पीड़ितों की सहायता की, यहाँ पीड़ितों की सहायता करने वाला कौन है, दिनेश, यानी दिनेश के साथ यहाँ ने का प्रयोग किया गया, कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है तो कर्ता कारक हुआ, आपको याद होना चाहिए इस तरह से। इसके बाद अगर कहा जाए कि अमित ने पूरी किताबों को पढ़ लिया, तो अमित ने पूरी किताबों को पढ़ लिया तो अमित ने, यानी कि अमित कर्ता है और उसी के साथ ने शब्द का प्रयोग किया गया तो क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ, यहां दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आप देखेंगे कर्ता कारक की अगर भेद की बात करें तो कर्ता कारक के ऐसे दो प्रकार हम बांट सकते हैं, यानी दो प्रकारों में आप देख सकते हैं कि दो प्रकार में एक परसर्ग जो होता है, परसर्ग सहित एक समझ सकते हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो फिर आपका हो जाता है परसर्ग रहित की बात कर सकते हैं कि एक परसर्ग सहित होता है, दूसरा परसर्ग रहित होता है। तो परसर्ग सहित का मतलब आप समझेंगे कि परसर्ग सहित का मतलब क्या होगा, तो जब वाक्य में परसर्ग का जहां प्रयोग किया जाता है, परसर्ग का जहां प्रयोग होता है, तो परसर्ग के प्रयोग करने के साथ साथ यह मुख्य रूप से, अगर हम इसके बारे में समझें कि यह मुख्य रूप से वाक्य में भूतकाल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भूतकाल में जब प्रयोग करेंगे तो यह परसर्ग सहित के रूप में आता है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं इसमें
कि सुनील ने अपने बच्चों को दूध पिलाया, तो सुनील ने अपने बच्चों को दूध पिलाया यानी दूध पिलाने का वो काम किया, भूतकाल की बात हो गया, तो प्रसंग सहित में आया कि सुनील ने, सुनील यहां ने शब्द का प्रयोग किया गया लेकिन भूतकाल में किया गया है, तो इसे हम कहेंगे कि प्रसंग सहित हुआ। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, तो मेरे मित्र ने मेरी सहायता की अर्थात यह बात जो है भूतकाल की हो चुकी है, और जो भूतकाल की बातें हो चुकी है क्या हुआ कि आपका यह प्रसर्ग सहित में आता है। फिर आप यहां समझेंगे कि प्रसर्ग रहित की बात जब समझा जाए तो प्रसर्ग रहित में क्या होता है कि जब वाक्य में प्रसर्ग का प्रयोग यहां नहीं होता है और यह मुख्य रूप से वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हैं और नहीं तो भविष्य काल में प्रयोग किए जाते हैं, यानी वैसे वाक्य जो वर्तमान काल में प्रयोग किए जाते हों या भविष्य काल में प्रयोग किए जाते हों और कर्ता कारक में प्रयोग किए जाते हों तो उसे हम कहेंगे कि प्रसर्ग रहित है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर कहा जाए कि रमेश खाना खाता है, रमेश क्या करता है, खाना खाता है, तो इस तरह से आप देखें कि प्रसर्ग क्या हो गया, रहित हो गया। फिर हम दूसरे का प्रयोग करेंगे कि दूसरा जो यहां कारक का भाग है, जैसे पहला कर्ता हुआ, दूसरा में जैसे आपका कर्म कारक हुआ, तो कर्म कारक में जब हम बात करेंगे कर्म कारक में, तो कर्म कारक में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर अगर वाक्य में की गई क्रिया, इसको लिखेंगे कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वैसा वस्तु या वैसा व्यक्ति जिस पर वाक्य में जो क्रिया किया जाता है, जिस पर वाक्य में की गई क्रिया, वाक्य में की गई जो क्रिया होता है, मैंने वाक्य में आप देखेंगे प्रयोग में की गई क्रिया का प्रभाव यहां पड़ता है और वह कर्म कहलाता है, की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है, वह क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। अगर हम यहां विभक्ति चिन्ह की बात करें तो यहां कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है या आपका को का प्रयोग करते हैं, विभक्ति चिन्ह में क्या प्रयोग करेंगे, कर्म का, को का प्रयोग करेंगे। इसके परिभाषा में मैंने देखा कि कर्म कारक जो है वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में जो क्रिया किया जाता है उस क्रिया का प्रभाव यहां पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं यहां कि जैसे सुनीता ने अनीता को बुलाया, तो सुनीता ने बुलाने का काम किसको किया, तो अनीता को बुलाया, अर्थात यहां क्या है कि कर्म के साथ को का प्रयोग किया गया है कि सुनीता बुलाने का काम करती है अनीता को, तो अनीता यहां कर्म हो गया, सुनीता कर्ता हो गई और अनीता क्या हो गई, कर्म हो गई, तो यहां कर्म के साथ को का प्रयोग किया गया तो यह क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। या और भी उदाहरण देख सकते हैं कि वे लोग यानी बड़े लोगों को सम्मान देना चाहिए, तो बड़े लोग जो होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, तो बड़े लोग जो को सम्मान देना चाहिए यानी हमें सम्मान देना चाहिए, तो हम लोग क्या हो गए, यहाँ कर्ता हो गए और बड़े लोग हो गए या क्या हो गया, कर्म हो गए, तो यहाँ हम बड़े लोगों को, तो इसके साथ जो को का प्रयोग किया गया है यह कर्म कारक के प्रयोग में हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे कि राम ने रावण को मारा, यदि राम ने रावण को मारा तो राम ने जो लगाया गया है, ने जो यहाँ विभक्ति चिन्ह है वह कर्ता कारक का प्रयोग हुआ, और रावण को मारा तो रावण को मारने का बात हुआ, तो यह कर्म कारक भी है, अर्थात इस वाक्य में आप कर्ता कारक का भी प्रयोग देख रहे हैं और कर्म कारक का भी प्रयोग देख रहे हैं। सीधा शब्दों में समझ रहे हैं कि राम ने यहां जैसे देखे कि राम ने रावण को मारा तो यहां पे कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया गया है तो कर्ता कारक हो गया, यहां कर्म के साथ को का प्रयोग किया गया है तो कर्म कारक भी हो गया, अर्थात इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि कर्ता कारक का भी प्रयोग हुआ है और कर्म कारक का भी प्रयोग हुआ है। फिर अगर हम यहाँ तीसरे इसके जो भेद हैं यानी तीसरे भेद में जो करण कारक है, करण कारक की अगर बात करते हैं तो करण कारक में समझेंगे क्या, करण कारक में जैसे अगर हम यहां समझते हैं कि तीसरा जो भेद है करण कारक, तो करण कारक की जब परिभाषा की बात करेंगे तो वह साधन जिसमें क्रिया जो होता है वह साधन जिसमें कोई भी साधन अगर होता है तो वह साधन जिसमें क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, क्रिया होती है
वो अकरण कारक कहलाता है। वकरण कारक कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे कि दूसरे परिभाषा में समझ सकते हैं कि जिसकी सहायता से किसी काम को कोई अंजाम दिया जाता है, यानी जिस शब्दों की सहायता से किसी भी काम को कोई अंजाम दिया जाता है वह करण कारक में प्रयोग किया जाता है। इसके दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विभक्ति चिन्हों में जैसे आप देखेंगे इसके विभक्ति चिन्ह में एक चिन्ह होता है से का प्रयोग करते हैं और एक का प्रयोग करते हैं के द्वारा का प्रयोग करते हैं। से का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं और के द्वारा का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि अगर यह कहा जाता है कि अजीत ने सारा काम बच्चों से करवाया, अजीत ने सारा काम बच्चों से करवाया, तो बच्चों से करवाने का बात हुआ तो आप समझेंगे से का प्रयोग किया गया तो करण कारक में प्रयोग किया जाएगा। आप समझ रहे हैं। फिर आपका दूसरा उदाहरण अगर देते हैं कि यहां बच्चे जो होते हैं गाड़ियों से खेल रहे हैं, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं तो यहां से का प्रयोग किया गया तो क्या हुआ करण कारक में प्रयोग किया गया। के द्वारा का भी जहां प्रयोग होगा वह करण कारक में होगा। बस कितने बातों को आप समझेंगे। इसके बाद आप चौथे का प्रयोग देखेंगे कि चौथा जो है आपका संप्रदान है, यानी कि चौथा में जब देखेंगे कि संप्रदान कारक तो संप्रदान में क्या होता है कि संप्रदान में जब हम प्रयोग करेंगे संप्रदान का यहां अर्थ ही होता है देना, यानी कि संप्रदान का अर्थ देना होता है। संप्रदान का क्या अर्थ होता है देने के प्रयोग में करते हैं। जब वाक्य में किसी भी या किसी को कुछ देने की बात किया जाता है यानी दिया जाए, या आप ये भी देख सकते हैं किसी के लिए अगर कुछ करने का काम किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए नहीं तो किसी के लिए कुछ करने का काम किया जाए तो वहां समझिए कि संप्रदान कारक का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसका जैसे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो इसके विभक्ति चिन्ह में आप देखेंगे कि इसके विभक्ति चिन्ह में के लिए होता है, विभक्ति चिन्ह में क्या होता है के लिए होता है और के लिए के साथ साथ यहां को भी इसका चिन्ह होता है। क्या होता है यहां भी को का प्रयोग किया जाता है, के लिए और को का प्रयोग यहां पे किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि गौरी रंजना के लिए फल लाती है, गौरी रंजना के लिए फल लाती है तो यहां के लिए प्रयोग कर दिया गया कि रंजना के लिए, तो क्या हुआ आपका संप्रदान कारक में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात इस वाक्य में संप्रदान कारक है। फिर आप देखेंगे कि विकास तुषार को किताबें देता है तो विकास किताब देने का काम किसको करता है तुषार को करता है, तो विकास तुषार को किताब देने का काम करता है तो क्या हुआ संप्रदान कारक में हुआ। इसके बाद जैसे और भी भूखे के लिए रोटी दे दो, ये क्या हुआ संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग किया गया। या और भी आप उदाहरण ले सकते हैं कि मेरे लिए भी सोचो, मेरे लिए भी सोचो, ये बात जो हुआ संप्रदान में हो गया। मैं हिमालय को जा रहा हूं तो मैं हिमालय को जा रहा हूं का मतलब क्या हुआ कि संप्रदान कारक में यह प्रयोग किया गया। फिर आप यहां पांचवे का प्रयोग जो देखेंगे इसमें पाएंगे कि पांचवा आप देखेंगे पांचवा में जो है आपादान कारक, तो आपादान कारक में आप क्या देखेंगे कि आपादान कारक, तो जहां अगर हम बात करते हैं संज्ञा की बात या सर्वनाम की बात करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो बात करते हैं संज्ञा और सर्वनाम के किसी भी रूप से, संज्ञा और सर्वनाम के किसी रूप से दो वस्तुओं के अलग होने का बात होता है, दो वस्तुओं के अलग होने का वर्णन होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं यहां कि आपादान कारक में जहां संज्ञा और सर्वनाम की जो बात करेंगे तो संज्ञा और सर्वनाम के किसी रूप से, संज्ञा और सर्वनाम का जो रूप होता है इस रूप से किन्हीं दो वस्तुओं को अगर हम विभेद करने की बात करते हैं, जुदाई करने की बात करते हैं, अलगाव करने की बात करते हैं या एक दूसरे से संबंध तोड़ने की बात करते हैं तो वहां समझिए कि ऐसे बोध होता है तो उसे वहां पे आपादान का प्रयोग किया जाता है। आपादान का मतलब होता है कि आपादान कारक उसे हम जब कहेंगे तो इसका अगर विभक्ति चिन्ह की बात किया जाए तो यहाँ विभक्ति चिन्ह में क्या होता है आपादान से का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह जुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो से होता है या किसके लिए होता है तो जुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ जो करण में होता है यह संबंध के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों में अंतर देखिए,
यहाँ एक का जो होता है या से का जो प्रयोग होता है संबंध के लिए होता है और दूसरा जो होता है या जुदाई के लिए होता है, संबंध जोड़ना और संबंध तोड़ना। तो यहाँ अगर जुदाई की बात करते हैं तो जुदाई में जैसे हम कह रहे हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं का मतलब क्या है कि पेड़ और पत्तों के बीच में जुदाई हो रहा है, अलगाव हो रहा है, यानी दोनों के बीच में एक तरह का जुदाई हो रहा है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं विद्यालय से घर जाता हूं, तो मैं विद्यालय से घर जाता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं विद्यालय से अब जुदा हो रहा हूं, विद्यालय से मेरा अलगाव हो रहा है, अर्थात यहाँ पे से का जो प्रयोग किया गया या से क्या हुआ, अपादान कारक हुआ, देख रहे हैं। और वही बात इसको उल्टा अगर हम देखते हैं यहाँ कि मैं कलम से लिखता हूं, तो मैं कलम से लिखता हूं का मतलब क्या है कि मेरे और कलम के बीच में संबंध जोड़ने की बात किया जाता है, तो कौन सा से का प्रयोग हुआ, यह करण कारक हुआ। यहीं पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं, आप लोगों को गलती नहीं करना है, क्योंकि यहाँ संबंध जोड़ने की बात होता है और ये संबंध तोड़ने की बात होता है, निकरण कारक संबंध जोड़ता है और अपादान जो होता है संबंध तोड़ने का काम करता है। जैसे अगर कहा जाए, और भी उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि आसमान से बिजली गिर गया, तो आसमान और बिजली के बीच में क्या हुआ, संबंध विच्छेद हो गया, संबंध यहाँ टूट गया, मैं विद्यालय से घर चला आ गया और पेड़ से पत्ते गिरने लगे, पेड़ से आम गिर गया, तो यह जो उससे अलगाव की बात होता है अपादान कारक में प्रयोग करते हैं, इतना याद रखेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे छठे में कि छठा जो है संबंध कारक, तो संबंध कारक की बात जब हम करेंगे छठे में, छठा जो है संबंध कारक, तो संबंध कारक की जब हम परिभाषा की बात करते हैं कि संबंध कारक का परिभाषा क्या है, तो इसमें आप सीधे जानते हैं कि इस नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, अगर इस नाम को संबंध को सुनते हैं तो इस नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, क्या स्पष्ट हो जाता है जी, जैसे इस नाम को संबंध को जोड़ते हैं, संबंध की बात जब करते हैं तो या संबंध से या संबंध से यानी संबंध शब्द से सुनने से ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट होता है कि यह वस्तुओं से संबंध बना बताता है, कि यह वस्तुओं से संबंध बताता है, यानी वस्तुओं से कैसे संबंध बताता है, यानी कोई वस्तु होता है उस वस्तु से संबंध बताता है, यानी संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच की अगर बात करते हैं तो दो वस्तुओं के बीच के यानी जो संबंध होते हैं, इस संबंध का वो बोध कराने का काम करता है, वह संबंध कारक कहलाता है, याद रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ वस्तुओं से संबंध बताता है, तो दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है वह संबंध कारक कहलाता है, अर्थात यहां लिखेंगे कि दो वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने का कार्य करता है या संबंध बताता है उसे अपादान कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, सीधा है कि दो वस्तुओं के बीच में संबंध जोड़ने का जो बात बताता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का अगर हम करें तो विभक्ति चिन्ह में आपका होता है का के की जो प्रयोग करेंगे, का प्रयोग होगा, के का प्रयोग होगा, की का प्रयोग होगा, का के की का प्रयोग कर सकते हैं, नाने नी का प्रयोग कर सकते हैं, नाने नी का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ आप यहाँ रारे री का प्रयोग कर सकते हैं, रारे री का प्रयोग कर सकते हैं, विभक्ति चिन्ह है, यानी कि अब विभक्ति चिन्ह जहां भी प्रयोग में आएगा कि का के की ना ने नी रा रे री, तो विभक्ति चिन्ह से हम समझ जाएंगे कि यह कौन सा कारक है, तो यह कारक जो है संबंध कारक है। अगर उदाहरण के रूप में कहा जाए कि यह मनोज का स्कूटर है, स्कूटर तो है लेकिन किसका है, मनोज का है, तो मनोज का यानी मनोज और स्कूटर के बीच में का जो शब्द है, यह शब्द क्या करता है कि यहाँ स्कूटर का संबंध मनोज से जोड़ने का काम करता है, तो इस तरह से मनोज का स्कूटर हो जाता है, तो संबंध कारक में प्रयोग करेंगे। जैसे अगर कहा जाए कि आपका घर है, तो ये आपका घर है, इसका मतलब क्या है कि आपके और घर के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य करता है, वह मानव का घर है ना, तो इस तरह के जो यहाँ संबंध जोड़ने वाले शब्द का प्रयोग करेंगे या संबंध कारक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगर कहा जाए राजा दशरथ के चार बेटे थे, तो यहाँ के का प्रयोग किया गया, राजा दशरथ के चार बेटे थे, तो राजा दशरथ और उनके बेटे के बीच में संबंध जोड़ने का प्रयोग किया जाता है, तो उनके चार बेटे थे, देख रहे हैं यहाँ किस तरह से। आप देखेंगे सातवें के रूप में अधिकरण कारक के रूप में, कि सातवां आपका जो है अधिकरण कारक,
अधिकरण कारक में जब आप देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि अधिकरण का यहां अर्थ होता है, बिल्कुल अधिकरण का अर्थ ही होता है क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आश्रय। आश्रय तो समझ रहे हैं, अधिकरण का अर्थ ही होता है आश्रय देना, यानी कि आश्रय। तो आश्रय का मतलब आप यहां समझेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप होता है, संज्ञा होता है, यानी संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया के, इसको हम लिख सकते हैं कि संज्ञा का वह रूप जिसमें संज्ञा का वह रूप जिसमें क्रिया का या क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो अगर अधिकरण कारक में हम ऐसे समझे कि अधिकरण का यहां बिल्कुल अर्थ ही होता है कि आश्रय, तो आश्रय के साथ अगर हम समझते हैं कि संज्ञा का वैसा रूप या संज्ञा का वह रूप जो क्रिया के साथ है, जिसमें क्रिया के आधार का बिल्कुल बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह में अगर हम देखें इसमें कि अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो इसमें में का प्रयोग हम कर सकते हैं, पर का प्रयोग कर सकते हैं, भीतर का प्रयोग कर सकते हैं, और में पर भीतर इत्यादि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर ऊपर जो होता है बीच, अंदर की बात कर सकते हैं, ऊपर की बात कर सकते हैं, बीच की बात कर सकते हैं, ऐसा विभक्ति चिन्ह जो होता है यह अधिकरण कारक में प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर आपसे कहा जाए कि मैं घर, यानी जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था, जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था, तो यहाँ पे मैं का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से वह सिपाही युद्ध में मारा गया, तो वह सिपाही युद्ध में शहीद हो गया या मारा गया, तो इस तरह का जो हम प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, अधिकरण कारक में यह प्रयोग करेंगे। पुनः हम आठवें के रूप में देखेंगे कि यहां आठवां जो है संबोधन, तो आठवें में जो संबोधन का हम प्रयोग करेंगे, आठवां जो इसका है संबोधन, संबोधन कारक में जब देखेंगे तो संबोधन में होता है कि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, तो संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, जिससे किसी को बुलाने, पुकारने, बुलाने की बात हो या पुकारने की बात हो, या बोलने का बोध होता है, या बोलने का बोध होता है, संबोधन कारक कहलाता है। यानी कि यहां पे देखेंगे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, और संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप का यहाँ प्रयोग किया जाए जिससे किसी को अगर बुलाने का बात आता हो, या किसी को पुकारने की बात आता हो, या किसी से बोलने का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ संबोधन कारक के नाम से जानेंगे। अगर संबोधन कारक का यहाँ चिन्ह की बात करें तो इसमें जैसे चिन्ह में देखेंगे कि हे, अरे, अहो, अजी इत्यादि, जो यहाँ विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी प्रयोग करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है, विस्मयादि बोधक का भी चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके क्या होते हैं कि संबोधन कारक में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, तो हे ईश्वर के बाद विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर कहा जाए कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, या और भी कहा जाए कि अर्जुन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स होगा, यानी कि विस्मयादि बोधक का चिन्ह होगा, अर्जुन तुम्हें यह युद्ध अवश्य लड़ना होगा, तो ऐसे शब्दों का जो प्रयोग करेंगे, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे, इसमें क्या हुआ, विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया गया। और इस तरह से आप इस चिन्ह को इस तरह से याद भी कर सकते हैं हल्के शब्दों से, आप बेहतर ढंग से इसको याद रखेंगे हमेशा फॉर्मूला के तौर पर, कि कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा संप्रदान के लिए को,
आपादान से यानी जुदाई के यहाँ प्रयोग करेंगे। इसके बाद संबंध कारक काके की नाने नी रारे नी अधिकरण में पर भीतर अंदर ऊपर बीच और संबोधन हे अरे अहो अजी ऐसे सब जब हम शब्दों को याद कर लेंगे तो हमें इस पूरे परिभाषा को याद रखने में बहुत ही सहूलियत होगी, आसान रहेगा। तो इतना को आप निश्चित रूप से याद कर लें। और आज के लिए हम लोग का कारक के साथ क्लास भी समाप्त होता है। पुनः हम अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।